हाँ जी, अष्ट देव और अष्ट रत्न, इसके बारे में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, थोड़ा क्लियर करके बताए तुम। देव वो ही बनते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, उनको कहा जाता है देव, देवता। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा, कम जन्म लेने वाले होंगे, कम कलाओं वाले होंगे, तो वो कमजोर आत्माएं द्वापर युग से दूसरे धर्मों में क्या होंगी, कन्वर्ट हो जावेंगी और भारतवासियों को धोखा दे जावेंगी। तो ऐसी धोखेबाज आत्माएं उनको देवता कहेंगे फिर है? तो अष्टदेव तो बहुत ऊंची चीज है, रतन जो है वो एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं। ये तो देवताएं हैं जो जिनकी जीवन अमूल्य जीवन है, भगवान आकर मनुष्य को देवता बनाता है, भगवान के सिवाय कोई भी मनुष्य को देवता बना ही नहीं सकता। जो रतन होते हैं उनकी वैल्यू एक जैसी नहीं होती है, सब हीरे नहीं होते हैं, क्या होते हैं, पन्ना है, माणिक है, मोती है, मूंगा है, इनकी सबकी कीमत अलग अलग है, ये एक जैसे हैं, हीरे जैसे हैं, अलग अलग अलग। तो वो हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। इस समय जिनको बाप आकर देवता बनाते हैं, देवतुल्य बनाते हैं, वो आत्माएं उनको कैप्चर करती हैं और उनको कंट्रोल करती है प्रवेश करके। तब वो अष्टरतन नवरतन बनते हैं, नवग्रह बनते हैं, गर्गस्थ कहा जाता है। गर्गस्थ में क्या चाहिए, बाप भी चाहिए बीज, मां भी चाहिए धरणी, फिर बच्चा भी चाहिए कि नहीं चाहिए, बच्चा भी चाहिए। तो वो धर्म पिताए रत्नों में नहीं आते हैं, धर्म पिताए जो होते हैं रत्नों में नहीं आते हैं। धर्म पिताए जो हैं रत्नों में तो आएंगे, लेकिन वो ऊपर से आने वाले धर्म पिताए नहीं है। ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं की तो माला ही नहीं है देवी देवता सनातन धर्म में, उनकी मालाएं अलग बनती हैं, उनकी अपनी माला, अपना संगठन, और देवी देवता सनातन धर्म वालों का अपना संगठन। और बाबा तकदीर जगा कर आया है, तकदीर जगा कर आई हूँ। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ है, जो 63 जन्मों में तुमने कर्म किए हैं, अच्छे और बुरे किए हैं ना, अच्छे कर्म किए हैं तब इस ज्ञान में आए हो, ये बुरे कर्म किए हैं तब आए हो, अच्छे कर्म। अच्छा, तकदीर जगा के आए हो ना, कहाँ जगाई, पहले ही 63 जन्मों में अच्छे अच्छे कर्म करके तुम तकदीर जगा ली तुमने अपनी, जो इस जन्म में आकर के तुमको जल्दी से भगवान मिल गया। बाबा जो ग्रह होता है, बोला गया कि तीन आत्माएं आते हैं, तीन आत्माएं होने से तो एक ग्रह होता है, तो इसमें कम से कम, कम से कम इसमें एक अष्टदेव का भी एक होगा। ये तो यहाँ संगम युग की बात है ना, जो नवग्रह हैं वो उस दुनिया में तो समझते हैं वो जड़ ग्रह है,
जड़ की तो बात ही नहीं, यहाँ तो चैतन्य आत्माओं की बात है। इनकी पहचान कहाँ होती है? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में होती है या सिर्फ संगम में होती है? यहाँ संगम में पहचान होती है। संगम में शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं, वो विधर्मी आत्माएं भी हमारे साथ मिलकर के एक हो जाएंगी। ऐसा वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। और बाबा जो बच्चों का कर्म श्रेष्ठा है उसका निशानी क्या है? बाबा बच्चों का जो बच्चों का कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी है वो इस जन्म में फ्री होंगे। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बच्चे तो वो, कोई बोझ नहीं होगा उनके ऊपर। क्या कोई बंधन? लौकिक बंधन कुछ भी नहीं होगा। चाहे तो खूब सेवा करें दौड़ दौड़ के, तो इसे साबित होता है कि पूर्व जन्म के उनके कर्म बहुत अच्छे हैं जो इस जन्म में फ्रीनेस मिली है। और कोई तो ऐसे होते हैं कि देखने में फ्री नहीं आते हैं, नौकरी का भी बंधन है, परिवार का भी बंधन है, शरीर की बीमारियों का भी बंधन है। बंधन तो हैं, लेकिन बंधनों को बंधन मानते ही नहीं। क्या सबको इधर उधर करते जाते हैं और ईश्वरी सेवा में ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको भाग्यशाली कहेंगे या दुर्भाग्यशाली कहेंगे? हैं? वो भी भाग्यशाली है। हाँ जी, आसक्ति और विरक्ति में अंतर क्या है? आसक्ति माने लगाओ और विरक्ति माने लगाओ नहीं है, बेलगाओ, अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ कर्तव्य कर्म कर रहे हैं कि हमें बच्चों की पालना करनी है, बीवी बच्चों के लिए कमाई करनी है, करते हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी रहती है? ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगी रहती है, ईश्वर की याद में बुद्धि लगी रहती है, विश्व कल्याण में बुद्धि लगी रहती है, नई दुनिया की याद में बुद्धि लगी रहती है, बाप के घर को याद करने में बुद्धि लगी रहती है, तो कहेंगे आसक्ति नहीं है। लगाव को ही आसक्ति कहा जाता है। बाबा आत्मा में तो यह सीखा मैंने, आत्मा में तो मन बुद्धि और संस्कार होते हैं, ठीक है। गीता में और एक शब्द है चित्त, ये चित्त क्या आत्मा ही चित्त है क्या, या मन को चित्त बोलते हैं या बुद्धि को? मतलब क्या है? मन को ही चित्त कहा जाता है। और चित्त से ही बनता है चित्र। चित्त एकाग्र होता है तो चित्र तैयार हो जाता है। पहले शास्त्र बने थे या चित्र बने थे? पहले चित्रकारी हुई, तो जिन चित्रकारों ने चित्र बनाए, जिनमें सारे शास्त्रों का सार समाया हुआ है, वो चित्त एकाग्र था या चलायमान था? चित्त एकाग्र, एकाग्र चित्त थे। शास्त्रकारों से भी उनकी बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ थी, अच्छे कलाकार थे। शास्त्रकारों ने तो बाद में फिर ढेर सारी मिलावट कर दी। अभी चित्रकार भी ढेर सारी मिलावट कर रहे हैं, जिसके जो मन में आता है वैसे ही चित्र बनाता रहता है। माया की मत, मुरली में बोला है, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। रमेश भाई ने क्या किया?
बाबा ने तो चार चित्र बनवाए और बाद में रमेश भाई ने ढेर के ढेर चित्र बना के रख दिए। बाबा ये कर्ण जो होता है, कर्ण का दो ये कबच और कुंडल है, कर्ण जो होता है महाभारत में, कर्ण है हाँ, इसमें दो ये है ना कबच और कुंडल बोलते हैं। है ब्रह्म बाबा अगर कर्ण है संगम में तो इसका कबच और कुंडल क्या है? कवच है योग का, कवच कौन सा है? याद का कवच। जब वो राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं तो उनको कवच मिल गया। क्या मिल गया? क्या मिल गया? कवच मिल गया, योग का कवच उनको मिल गया कि हमें साकार भी मिल गया और साकार में वो निराकार प्रवेश है, वो याद भी मिल गई, तो सुरक्षा हो जाती है कवच से। और कुंडल, कुंडल माने कानों की शोभा है, वो कानों की शोभा जो है उनकी खासियत थी, बेसिक में भी उनकी खासियत थी। ब्रह्मा के बारे में क्या खासियत थी ज्ञान के बारे में? कि उनके कान सबसे पहले सुनते थे। क्या उन्होंने जितना सुना ईश्वरीय ज्ञान उतना और किसी ने नहीं सुना। हमारी तुम्हारी दो चार मुरलियां मिस भी हो जाएंगी, उनकी कोई भी मुरली मिस नहीं होती थी। तो भाई ये कबच कुंडल इंद्रदेव ने ले गया। हाँ, इंद्रदेव ने ले गया। हाँ, वो दान में ले दे दिया उन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रदेव कौन है? इंद्र है कौन? इंद्र शब्द का अर्थ क्या है? राक्षसों में और देवता जो इंद्र आदि देवताएं होते हैं उनमें अंतर क्या है? राक्षसों की इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं? नहीं होती हैं। और देवताओं की इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। इंद्र माने जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई हो। जो इंद्रियों पर जीत पाते हैं वही असली राजा है। तो इंद्र कहां से आया, कौन हुआ इंद्र? ब्रह्मा की सोल जब प्रवेश करती है तो वो ही इंद्र है। किसमें प्रवेश करती है? बीज रूप राम वाली आत्मा में जब प्रवेश करती है तो वो इंद्र का पार्टी भी बजाती है, वो इंद्र है। इंद्र डरपोक भी था कि नहीं? उसको फट से आशंका हो जाती थी कोई हमारी राजा ही छीन लेगा। तो राम वाली आत्मा को डरपोक कहेंगे या निडर कहेंगे? राम वाली आत्मा तो अलग चीज और कृष्ण वाली आत्मा अलग चीज। जो इंद्र को जय करता है, जो इंद्र को जय करता है वो देवता होता है ना, जो देवता होता है वो इंद्र को जय करता है। इंद्र को इंद्रियो 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 इंद्र को जीतता है। जीतता है देव आत्माएं ही इंद्रियों को जीतने वाली होती है। ये रामायण जो होता है, रामायण में रावण का बेटा इंद्रजीत है नाम, वो तो असुर होता है, इसका नाम क्यों इंद्रजीत दे दिया? वो इंद्रजीत था लेकिन अल्पकाल के लिए था। श्रीमत पर किसकी चलता था? मत पर किसकी चलता था? रावण की मत पर चलता था या शिव की मत पर चलता था? इसी में सारा डब्बा गोल हो गया। और बाबा मुक्त का बेहतर से पहले समझ लो फिर सीधा सीधा बोल दो। हाँ बाहरी सहायता बेसर में बनाती है। हाँ बाहरी सहायता बेसर में बनाती है, इसकी रहस्य है। बाहरी सहायता, बाहरी सहायता बाहर जो सहायता हेल्प मिलती है। हाँ वो बेसर में बेसर्मी बनाते हैं, बनाते सहयोग लेते हैं बाहर से, सहयोग लेते हैं। बाहर माने क्या?
बाहर की दुनिया जो बाहर बाहर माने विदेशियों से बाहर की दुनिया जो है उनसे योग लेते हैं तो बेशर्मी बनते हैं जो ज्ञान में नहीं चलते उनका सहयोग अच्छा अज्ञानियों से जो सहयोग लेते हैं अज्ञानी हाँ वो बेशर्मी बनाती है ठीक बात तो है वो तो भीख मांगना हो गया वो वही समझना चाहते हैं हाँ, तो दूसरों से क्यों लेना चाहिए जब हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे पास तो सब कुछ होना चाहिए हमें दूसरों से लेने की क्या दरकार हमें सहयोग लेना है तो किसका सहयोग लेना है अरे हम बच्चे किसके हैं भगवान के बच्चे हैं तो बाप की याद से हमें सब कुछ प्राप्ति होती है हमें किसी से कोई भी कुछ भी मांगने या सहेल्प लेने की दरकार है ही नहीं ये बैंक है ना कह रहा है बाबा मुफ्त का खाना महत्तर से भी बेहतर है बदतर है इसका क्या रहस्य पूछ रही क्या 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 कहना चाहते हैं बाबा इसके महत्तर उनसे बेहतर हैं माने अच्छे हैं जो खाते मेहनत का खाना मेहतर जो हैं जो गद्द साफ करने वाले हैं वो मेहनत का खाना खाते हैं या सन्यासियों की तरह भीख मांग के खाते हैं तो सन्यासी अच्छे या मेहतर अच्छे मेहतर अच्छे और ये मेहतर से भी गंदे होंगे हाँ ये मेहतर से भी बदतर है बदतर है सन्यासी हाँ जी उनसे भी बदतर है जो भीख मांग के खाते हैं भीख मांग के खाना माने आत्मा की स्वायत्त को भूल गए अपने महत्व को ही भूल गए जो अपने को इतना नीचा गिरा देता है वो दूसरों से मांगता है उनकी आत्मिक स्थिति कैसे बनेगी फिर बाबा हाँ। सोने की लंका में राम राज्य का महाविनाश संक्षेत्र इसका मतलब सोने की लंका में सोने की लंका में राम राज्य का महाविनाश संक्षेत्र में सोने की लंका में राम राज्य की महाविनाश लंका में कहाँ राम राज्य होता है क्षेत्र में बोलते हैं लंका में राम राज्य कहाँ होता है लंका में तो रावण राज्य होता है सोने की लंका में हाँ सोने की लंका तो थी लेकिन वहाँ राम राज्य कहाँ था वहाँ तो लंका में तो रावण राज्य था ऐसा लिखा हुआ है मुरली लिखा हुआ है ए? सोने की लंका में रावण राज्य का महाविनाश सन 76 में बाबा उज्जवल था ना 1976 में लंका माने बेसिक तो सोने की लंका हाँ सोने की लंका है रावण का राज्य है रावण की राज्य में हाँ, महाविनाश हुआ उसमें हाँ, ऐड कर दिया राम राज्य मिक्स कर दिया हाँ तो ये कोई मिक्स होगी बात बहन का दूसरा क्वेश्चन है बाबा हाँ, कि बाबा महाकाल बाप हिसाब किताब लेने के लिए धर्मराज की अदालत में सबको आह्वान कर रहे हैं बाबा महाकाल बाप हिसाब किताब लेने के लिए धर्मराज की अदालत में सबका आह्वान कर रहे हैं है। ये अर्थ नहीं समझ पाई है इसका क्या कहना चाहते क्या मुरली पॉइंट पता नहीं कहाँ से ये पॉइंट उठाया तो कहीं लिटरेचर वगैरह से उठाए हैं बाप धर्मराज की अदालत में आवाहन करते हैं बाप महाकाल हाँ हाँ बाप महाकाल भी है महाकाल बाप जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो महाकाल का भी पार्ट बजाता है शंकर ही महाकाल कहा जाता है और तो काल आता है तो आता ही जाता रहता है द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक सामान्य काल आता ही है मनुष्य मरते ही रहते हैं लेकिन एक महाकाल है जहाँ के सारी दुनिया मर जाती है काल के ग्रास बन जाती है सबको ही बाप के घर में जाना है परमधाम में जाना है
तो वो महाकाल हो गया, उसके निमित्त कौन बनता है? सभी आत्माएं बनती हैं, कोई खास आत्मा है जो महाकाल बनता है? काल माना समय चक्र, समय चक्र को घुमाने के निमित्त बन जाता है। जैसे कुम्हार होता है तो उसका चाक घूमता है, धीमा पड़ जाता है, रुक जाता है, तो उसमें डंडा लगाता है और घुमा देता है। ऐसे ही ये षष्ठी चक्र है, इसको कहते हैं काल चक्र भी है, 5000 वर्ष का काल चक्र है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। इसकी गति जब धीमी पड़ जाती है तो वो अपने ज्ञान दंडे से जोर से घुमा देता है, फिर 5000 वर्ष यूं ही घूमता रहता है। तो घुमाने के कोई निमित्त है या नहीं है, कोई खास आत्मा है या सभी आत्माएं हैं? खास आत्मा है, जो खास आत्मा है वो ही महाकाल कही जाती है, उसी को शंकर कहा गया है। तो वो शंकर है, वो महाकाल, वो धर्मराज है क्या बाबा? नहीं, उनकी बात नहीं पूरी हुई ना। शंकर को धर्मराज कहेंगे धर्म का राजा, धारणा का राजा कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती धारणा किसने करके दिखाई? ब्रह्मा की सोल ने। तो ब्रह्मा की सोल ही धर्मराज है, धारणाओं का राजा है। ब्रह्मा के जीवन काल में कौन सी आत्मा हावी होकर के रही? कोई आत्मा हावी होकर के रही? जैसे नचाया वैसे बाबा नाचते रहे, नहीं? अरे नाच कौन नचाती है? है? हम ब्राह्मणों को नाच कौन, नाच नचाने वाली कौन है? माया है। तो सबसे ज्यादा नाच कौन नाचता है? सबसे ज्यादा जन्म माना निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा की सोल। सबसे ज्यादा नाच किसने नचाया और किसको नचाया? ब्रह्मा बाबा को नचाया माया ने। और माया किससे कंट्रोल्ड है? अरे माया भी किसी से कंट्रोल्ड है या नहीं है? माया के साथ एक नाम और लगाया जाता है ना, माया रावण। माया रावण, तो माया को भी कंट्रोल करने वाला रावण है। अब यज्ञ में माया कौन है? एक तो छोड़ी छोड़ दिया आधार मूर्त है मम्मा। नहीं नहीं, माया माया दूसरा। हाँ, मम्मा तो फॉलो करने वाली थी, नचाने वाली नहीं थी बाबा को। उन्होंने बोला इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमारका की। फिर ये भी बोल दिया जिनका इस दुनिया में बहुत मान है वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। खातरी किसकी होती है? मान मर्तबे वालों की होती है या साधारण लोगों की होती है? मान मर्तबे वालों की होती है। तो माया ब्रह्मा बाबा को नचाती रही बेसिक के जीवन में। अभी क्या होगा? अभी ब्रह्मा बाबा उस माया और उस माया रावण के ऊपर सवारी करेंगे। रावण कौन?
पांच विकार और पांच तत्व, ये दस मिलकर के रावण के शीश बनते हैं। दसों सिर के ऊपर सवारी करने वाला कौन दिखाया जाता है? गदा। वो किसका पार्ट होता है? गधा कौन है और गधे को चलाने वाला कौन है? है गधा है तो गधे को चलाने वाला कोई धोबी भी तो है, कौन है? अरे धोबी कौन है? है शिव बाबा धोबी भी है। तो जो शिव बाबा धोबी है वो गधे के ऊपर कपड़े डालता है, बेसिंग में भी कपड़े डाले थे, अभी भी उन कपड़ों को धोने का काम बलराम जो हलधर कहा जाता है वो करता है या राम वाली आत्मा करती है? कौन करता है? हैं? राम वाली आत्मा कपड़े धोने का काम करती है। हलधर किसका नाम है? बलराम का। बलराम कौन है? कृष्ण की सोल। कृष्ण की सोल बलराम है जो चेंज हो गया ना। हाँ, माना राम और लक्ष्मण ये दो दिखाए जाते हैं। लक्ष्मण ने ये वरदान मांगा कि अगला जन्म जब हो तो हम क्या बने? आपके बड़े भाई बने। तो बलराम बड़ा भाई बनता है। बड़ा भाई का मतलब पहले से ज्ञान में चले आ रहे हैं। राम वाली आत्मा बाद में आती है कि कृष्ण वाली आत्मा बाद में आती है? राम वाली आत्मा बाद में आई है एडवांस में, कृष्ण वाली आत्मा तो पहले से ही है तो बड़ा है। राम वाली आत्मा को अव्यक्तवाणी फॉलो करनी पड़ती है या नहीं? है फॉलो करनी पड़ती है। तो वो बड़ा भाई हो गया, वो छोटा भाई हो गया। तो जो बड़ा भाई है उसका हथियार कौन सा है? हल। हल से क्या करते हैं? हल कोई हथियार होता है क्या? हल से तो जमीन फाड़ी जाती है। वो इशारा है कि ये धंधा किसका है? राम वाली आत्मा का है या हलधर का है, बलराम का है? ये धंधा बलराम का है। कृष्ण जो भगवान के रूप में दिखाया गया है उसको तो पूंछ दिखाई गई काहे की? मोर की। मोर की पूंछ कड़क होती है देह अभिमान की या सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है? हैं? मुलायम पूंछ होती है, वो दुखदाई नहीं होती है। और बाबा कहते हैं रामकृष्ण वाला आत्मा बराबर साथ साथ रहते हैं। तो साथ ही साथ तो है, राम लक्ष्मण साथ साथ नहीं है, कृष्ण और बलराम साथ साथ नहीं है। आज एक साथ कहाँ लिया था? राम वाली आत्मा को पहले ज्ञान मिलता है या कृष्ण वाली आत्मा को पहले ज्ञान मिलता है? मिलता तो कृष्ण, लेकिन साथ साथ कृष्ण को पहले मिलता है, राम वाली आत्मा को पहले मिलता है? नहीं, साथ साथ तो थे नहीं। जब शिव आते हैं तो शिव का ज्ञान पहले कौन सी आत्मा में आता है? राम वाली आत्मा में आता है। जिसके अंदर ज्ञान आएगा वो चीर फाड़ करेगा, इंद्रियों से दुख देने का काम करेगा। ये धरणी को चीरना ये आज के मनुष्यों का काम है,
जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा हुआ है, अपना सुख देखते हैं, दूसरे का दुख नहीं देखते। लेकिन जो भी माकी पाठ था उस समय नहीं था, ये जो उस समय नहीं था इसलिए कि उन्होंने पवित्रता का अर्थ नहीं समझा। पवित्रता का अर्थ उन्होंने समझ लिया कि इंद्रियां दूर रहें, पति और पत्नी दूर दूर रहें। दूरबाज खुशबाज को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, नहीं? ये दूरबाज खुशबाज उन्होंने ज्ञान को नहीं समझा, पवित्रता के अर्थ को नहीं समझा। पवित्रता का अर्थ है जैसे देवी देवताएं साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, लेकिन फिर भी इंद्रियों की हरकतें नहीं आती हैं, कर्मेंद्रिय नहीं हरकत में आती हैं। लेकिन जो भी बाद में प्रवेश होता हुआ है तो अब दुर्बाज खुशबाज तो समझ में आ गया, कंफ्यूजन काट गया ना उनका? उनका कंफ्यूज कट कहाँ गया, उनका तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। शिवो अहम, मैं ही साकार गीता का भगवान हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ, संघ के रंग से मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। तो एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। जिसकी बुद्धि में ज्ञान होगा वो एक्यूरेट करेगा कि जिसकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है वो एक्यूरेट करेगा? कौन करेगा? एक्यूरेट करेगा जिसके बुद्धि में ज्ञान, ज्ञान होगा वो एक्यूरेट करेगा, ज्ञान नहीं होगा तो उल्टा पलटा कर देगा। शिव बाबा कंट्रोल नहीं करते हैं? है? शिव बाबा राम वाली आत्मा को कंट्रोल करने आया है, नहीं कृष्ण वाली आत्मा को कंट्रोल करने आया है? शिव बाबा बैल पर सवारी करने के लिए आता है या मनुष्य में सवारी करने के लिए आता है? शिव बाबा कंट्रोलर किसका है? मनुष्य का कंट्रोलर है। ब्रह्मा मनुष्य है या ब्रह्मा शिव के मंदिर में बैल के रूप में दिखाया गया है? बैल के रूप में दिखाया गया है। उसको तो दिखाते भी नाली की तरफ। लेकिन ये एक्टिविटीज से तो यज्ञ का नुकसान हो रहा है। एक्टिविटीज से यज्ञ का नुकसान हो रहा है तो राम वाली आत्मा क्यों नहीं इतनी सशक्त बनती जो उसको कंट्रोल करे बैल को? क्यों नहीं हाई जंप लगा करके उसके ऊपर बैठ जाती? क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते बाबा? ज्यादा पतित राम वाली आत्मा बनी है कि ज्यादा पतित कृष्ण वाली आत्मा बनी है? कौन नहीं होती? कौन नहीं करते? आप कौन नहीं करते? आप कर दो, राम वाली आत्मा के ऊपर फट से उंगली उठ जाती है, क्यों नहीं करता? अरे उंगली उठाने वाले की तीन उंगली अपनी तरफ भी जा रही है, वो आप खुद क्यों नहीं करता? में तो राम वाली आत्मा जो निराकरी स्टेज में आई है, मृत्यु लोक से अमर लोक में प्रवेश किया 76 में, और कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश कर गई हमेशा के लिए, हमेशा के लिए प्रवेश कर गई निराकारी स्टेज में या आंशिक रूप से प्रवेश कर गई? आंशिक रूप में। लेकिन आंशिक रूप में प्रवेश कर गई, पुरुषार्थ तो चल रहा है ना। लेकिन मृत्यु लोक से अमर लोक में जो प्रवेश किया, हाँ, तो राम वाली आत्मा 76 में किया और कृष्ण वाली आत्मा 88 में किया। 88 में किया वो, उनका 88 में उनका उम्र पूरी होती है, तो वो अमर लोक में प्रवेश किया। हाँ, वो बच्चा बुद्धि है। ये कौन कहता है कि वो बच्चा बुद्धि नहीं है? अभी भी कहेंगे बच्चा बुद्धि है। बाकी हाँ ये कहेंगे कि राम वाली आत्मा जितना पतित बनती है उतनी कृष्ण वाली आत्मा क्राइस्ट और क्राइस्ट कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। क्यों मिलाते हैं? क्रिश्चियंस ज्यादा पतित बनते हैं कि हिंदू ज्यादा पतित बनते हैं? हिंदू ज्यादा पतित बनते हैं। क्यों? वो ज्यादा पुराने हैं और वो अभी अभी उतरे हैं 2000 साल से। तो जो 2000 साल से नीचे आए हैं इस सृष्टि पर वो ज्यादा सात्विक होंगे,
या जो 5000 साल पहले आए थे वो ज्यादा सात्विक होंगे? ज्यादा बूढ़े कौन हो गए? ज्यादा तमो प्रधान किसकी आत्मा बन गई? तो ऐसे ही कृष्ण और क्राइस्ट का है, सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया है। राम वाली आत्मा पड़ी हुई है और कृष्ण वाली आत्मा फिर भी खड़ी हुई है या पड़ी हुई है? खड़ी हुई है। हाँ बाबा, हाँ शंकर पार्वती भी दुखी थे वियोग में। किसका वियोग में दुखी थे? किसका वियोग होता है पति पत्नी में? अरे पति पत्नी के बीच वियोग किसका होता है? राम सीता दुखी थे, किसके वियोग में दुखी थे? राधा दुखी थी तो किसके वियोग में दुखी थी? जो अपना इष्ट जिसको मानता है उसी के वियोग में दुखी होता है जब तक न मिल जाए। शंकर पार्वती पर फिदा हुआ, क्यों हुआ? ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। और माता वाले इधर सीख दिए हैं। हैं माता है ना इधर नेपाली, वो नेपाली में है ना, देरी से आने वाले ज्ञान भी कम धारण करेंगे। हाँ कैसे फिर वो लास्ट से फास्ट चले जाएंगे बाबा? जो देरी से इस जन्म में आ रहे हैं उनकी क्या ये गारंटी है कि वो पूर्व जन्म में नहीं आए थे? जो अभी इस जन्म में देरी से आ रहे हैं ये भी तो हो सकता है पूर्व जन्म में आ चुके हों। तो जो पूर्व जन्म में पहले ही ये ज्ञान ले चुके हैं, ब्राह्मण बन चुके हैं, वो ब्राह्मणत्व का जो पुरुषार्थ है वो इस जन्म में ऐड नहीं होगा? होगा या नहीं? जब ऐड होगा तो लास्ट ऑफ फास्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। माता जी पूछ लो दूसरा प्रश्न, किसी कोई पाप आत्मा है और उस शरीर ने उसने शरीर छोड़ दिया है तो उस पाप आत्मा को पाप की सजा तो खानी पड़ेगी, वो स्थूल शरीर से सजा मिलेगी या सूक्ष्म शरीर से मिलेगी? स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ऐसे मत समझो। मुरली में बोला ऐसे मत समझो कि सूक्ष्म में सजाएं भोग करके खत्म कर देंगे। ब्रह्मा की आत्मा भी सजा खाएगी या नहीं खाएगी? है तो कैसे खाएगी? शरीर तो उनका है ही नहीं, कैसे खाएगी? अरे बच्चों में प्रवेश करती है कि नहीं करती है? और सिर्फ एक ही बच्चे में प्रवेश करती है कि औरों में भी प्रवेश करती है? और बच्चों में भी प्रवेश करती है। कष्ट क्या ब्रह्मा के स्वर को मिलेगा या जिस शरीर में प्रवेश करेगी उसको मिलेगा? औलिया लोग भूत प्रेतों को बांधते हैं तो भूत प्रेतों को कष्ट मिलता है या शरीरधारी को कष्ट मिलता है? उसमें तो जब बांध लेते हैं तब उसमें वो आत्मा अनुभव करती है प्रवेश है। जब बांध लेते हैं भूत प्रेत को तब कष्ट किसको होता है? थोड़ी को मिलेगा, नहीं बाद में मिलता है उसको। नहीं उस समय जो प्रवेश हुई आत्मा है भूत प्रेत जब औलिया उसको बांध लेते हैं कंट्रोल कर लेते हैं। हम और आप उसे मारेंगे तो वो निकल जाएगी क्योंकि हम बांधना नहीं जानते, हम तो वो तांत्रिक कर्म जानते ही नहीं, लेकिन जो जानते हैं वो उसे बांध लेते हैं और बांध के फिर उसकी पिटाई करते हैं। उसको कष्ट जो भूत प्रेत आत्मा है, हाँ तो उसको कष्ट होता है। बाद में उसको बाद में फिर जब जब निशान निशान पड़ जाएंगे तब फिर उसको महसूस होगा। तो ब्रह्मा वाली सोल को भी ऐसे मिलती है, सजाएं मिलेगी ना जिसमें प्रवेश कर, तो उसको भी तो कष्ट होगा बाद में। बाद में जैसे गुलजार दादी है, गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, फिर जब चले जाते हैं ऐसे तो 14 घंटे बैठे हुए हैं, उसके बाद होता है 14 घंटे जो आदमी बैठा रहेगा उसी शरीर तो जाम हो जाएगा, फिर जब चले जाते हैं
तब फिर उनको दर्द होता है शरीर में। उसको भी हिसाब किताब होगा। वो 14 घंटे क्या होने, 24 घंटे आराम करना पड़ता है। एक प्रश्न और ही नहीं मानूंगा, जंगली जानवर पशु पक्षी में वो पांच विकार रूपी रावणी इन प्राणों में भी देखने में आता है, है? जंगली जानवर जो पशु पक्षी में है वो पांच विकार रूपी रावण देखने में आता है, में भी देखने में आता है, प्राणियों में भी जानवर विकार होते हैं। हाँ जी, तो पूछने का अर्थ है माता जी, अभी वो कैसे है मतलब, हाँ, प्राणियों में भी जो पशु हाँ? पक्षियों के जो पांच विकार है, जब मनुष्य में होते हैं तो प्राणियों में नहीं होंगे? अरे मनुष्य इतना मनन चिंतनशील प्राणी, उसके अंदर ही जब विकार हैं, तो जो मनन चिंतनशील है ही नहीं, आया आवेगा और अपना काम कर बैठे, दूसरे को दुख होगा या सुख होगा इससे उनको कुछ भी लेना देना है ही नहीं। इसमें भी है, आता इसमें भी है। नहीं, मनुष्य तो फिर भी सोच सकता है, अपने को कंट्रोल कर सकता है ज्ञान के आधार पर, लेकिन जानवर कर बैठेगा? जानवर को तो मन ही नहीं है सोचने विचारने का, वो कंट्रोल करेगा क्या? बाबा कहते आज के मनुष्य जानवरों से भी बदतर है, विकारों के लिए जान से भी मार देते हैं। वो जानवर जान से तो नहीं मारते हैं, और मुरली में सुना है जो एक पुआ चावल को काम करो और एक पुआ आटा को काम करो, तो ऐसे काम करने से सारा बच्चा को मिले क्या? इधर अरे धड़ाधड़ आसामिया भाषा में अपनी बोल जाओ, जो हिंदी जानता होगा तो बोल देगा, नेपाली में बोल दो। मुरली में सुने कि एक पुआ चावल को काम करो, एक पुआ आटा को काम करो, बने तो ये थी ले एक पा चावल करो एक पा आटा को सबसे बच्चा बच्ची ले खाना पूछो, एक पा आटा करो एक पा चावल करो राजनीति काम करो और इसके खाने के लिए जो हमारे लिए वो बने बहुत है लकेले पाने 5 लोगों का। उनका कहने का भी है जो उनके शरीर से पति नहीं है और 5 बच्चे हैं और बाबा ने मुरली में कह दिया अभी एक पाव आटा उसके लिए खाली काम करो बाकी का क्या करना जरूरत है, तो बोलते बाकी टाइम ईश्वरीय सेवा में लगाइए, हाँ। तो बोलते एक पाव आटा एक पाव तो बच्चों को सेटिस्फाई नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तो क्या करूँ 5 बच्चे हैं, तो फिर कैसे 5 बच्चे हैं, पति है 5 बच्चे हैं, 1.5 किलो आटा तो चाहिए, अच्छा 1.5 किलो आटा तो चाहिए ना, और 1.5 किलो आटा में अगर नमक डाल करके रोज आदमी खाता रहे तो मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, ये बताओ पहले बताओ, जिंदा रहेगा ना, पुरुषार्थ कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? कर सकेगा। तो अब बताओ 1.25 किलो आटा कितने पैसे का हुआ? 1.5 किलो की 1.25 किलो 1.25 किलो एक पाव आटा से जिंदा रहेगा आराम से, ज्यादा खाने से और बीमार पड़ता है आदमी। हाँ बताओ, 5 बच्चे एक माता जी, हाँ हाँ, तो 6 इसलिए 1.5 किलो बोल दिया ना, 1.5 किलो कितने का पड़ता है? 20 रुपया आटा की भाव था, 20 रुपया अरे 8 रुपया किलो गेहूं मिलता है टाइम पर, 10 रुपया किलो हो गया, 10 रुपया किलो हुआ, 10 रुपया किलो हुआ, 20 रुपये किलो यहाँ। वो तो हम आटा खरीदे क्यों, जब हम गरीब आदमी है तो हम गेहूं खरीदेंगे ना टाइम पर, टाइम पर पैसा नहीं है, टाइम पर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हम अपना घर का आधा हिस्सा किराए पर उठा देंगे, आधा हिस्सा बेच देंगे, घर ही नहीं तो 5 बच्चों को क्या सड़क पे सुला रहे हैं क्या? ये सब बनाने की बातें हैं। और बाबा त्रिमूर्ति में विष्णु के हाथ में गदा है, वो बेगत में किस बात की यादगार है? जिसके पास अकल नहीं होती है वो मोटी बुद्धि वाला गधे से काम करता है, जिसके पास अकल होती है वो ज्ञान बाण मारता है, तलवार चलाता है, तीखी धार वाली। और बाबा शास्त्र में लिखा हुआ है तम्बाकू
मांस मदिरा जीव हिंसा इसको जो आदमी करेगा उसमें एक तमाकू या मांस मदिरा शराब उसमें से जो एक को सेवन करेगा वो आदमी जितना पुण्य करेगा जितना दान धर्म करेगा ज्ञान लेगा वो सब भस्म हो जाएगा। बोला कहाँ लिखा हुआ है? शास्त्र में, भारत में, महाभारत में लिखा हुआ। शास्त्रों की बातें उठाते ही काहे के लिए? तो मुरली मिली, मुरली की बात उठाओ। तुम्हें तो भगवान ने वाणी सुनाई हुई है। भगवान की वाणी एक की बात पर चलना चाहिए या अनेकों की बात पर चलना चाहिए? गुरु एक करना है ना कि अनेक गुरु करना है? अनेक गुरु किए माने रावण को गुरु किया, अनेक सिर गुरु बना दिए, और एक मत पर चला माने राम की मत पर चला। राम को एक सिर होता है और रावण को अनेक सिर होते हैं। तो एग्जाम से आने से पहले ये बात वो बात छोड़ दो, खत्म कर दो उसको। हाँ, यह माता ने पूछा है किसी ने, बाबा वो दो अक्षर का सुमरण कहा तो इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, मासी को दो अक्षर कौन सा सुमरण है? सिमरन माना भक्ति मार्ग में लगा दिया है सिमरन, ऐसे ऐसे करके माला घुमाते हैं और मुंह से राम 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 उसे सिमरन समझते हैं। लेकिन सिमरन है बिगड़ा हुआ शब्द, असली शब्द है स्मरण। स्मरण माने याद। तो हमको सिमरन नहीं करना है, क्या करना है? स्मृति में लाना है, याद करना है। किसको स्मृति में लाना है? बार बार भगवान को स्मृति में लाना है। हमने भगवान का स्वरूप पहचान लिया कि भगवान तो निराकार है। वो निराकार शिव जो है वो रामकृष्ण वाली आत्मा में प्रवेश करता है उनके अंतिम जन्म में, कलयुग के अंत में। उनमें भी एक आत्मा है फीमेल का पार्ट बजाने वाली, हीरोइन का पार्ट बजाने वाली, कृष्ण वाली आत्मा, और राम वाली आत्मा है बाप का पार्ट बजाने वाली सूर्यवंशी। वो सूर्य है, वो चंद्रमा है। तो हमें एक की मत पर चलना है या दो की मत पर चलना है या दस की मत पर चलना है? एक की मत पर चलना है। हमें बाप मिला हुआ है तो एक बाप की बात माने ना, दो की मत पर चलेंगे, एक ने ये रास्ता बता दिया दूसरे ने ये रास्ता बता दिया, अब कहाँ जाए? बिफरते रहेंगे। और बाबा जब संबत 111 शुरू होगा 2018 के बाद, तो ये पहले ब्राह्मण की दुनिया में ही जानकारी होगा या सबको मालूम होगा? क्रिश्चियन संबत शुरू हुआ, क्राइस्ट के बाद शुरू हुआ या पहले शुरू हुआ? क्राइस्ट के बाद ही शुरू हुआ होगा ना, तो सबने जाना या पहले एक दो ने शुरुआत की होगी? विक्रमादित्य संबत शुरू हुआ, सबने इकट्ठा जाना या विक्रमादित्य के जो ज्यादा नजदीक थे उन्होंने शुरुआत की होगी? ऐसे यहां भी है, जो संपन्न स्टेज पर पहुंचते जाएंगे उनकी बुद्धि में बैठता जाएगा, जो नहीं पहुंचेंगे वो नहीं जानेंगे। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम शुरू हुआ, पहले ओम मंडली नाम था। शुरुआत किसी एक ने की होगी या सबने मिलके इकट्ठी मीटिंग की होगी तब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा? एक ने शुरुआत की। जिसने ब्रह्मा को पहचाना उसने शुरुआत की। पहले तो ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलती ही नहीं थी, पीयू की वाणी चलती थी। ऐसे यहां भी है, अष्टदेव पहले पहचानते हैं,
तो उन्हीं के द्वारा वो संबत की शुरुआत उन्हीं को मालूमात होती है। और बाबा देवता बम मार्ग में चले जाते हैं फिर सतयुग का सब खलास हो जाता है, इसे क्यों? जब विनाश होगा तब सब उल्ट पल्ट हो जाएगा कि नहीं? आधा विनाश होता है त्रेता के अंत में, तो आधी पृथ्वी लौटपोट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। पहले ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, जापान, चीन, यूरोप थे ही नहीं? सत्युग त्रेता में थे क्या? नहीं थे। जैसे ही आधा विनाश हुआ द्वापर का, ये धर्मखंड ऊपर आ गए, क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़नी थी। आज से 300 साल पहले मनुष्य के किसी एक मनुष्य की बुद्धि में ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई महाद्वीप भी है दुनिया में। 300 साल के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया इतना फला फूला हो गया। कोलंबस ने अमेरिका की इजाद की, उससे पहले लोगों को दुनिया में पता ही नहीं था कि अमेरिका नाम की भी कोई जगह है। 500 साल पहले, कोलंबस से पहले, कोलंबस जब वहां पहुंचा तो वहां कुछ लोग मिले जिन्हें रेड इंडियंस कहा गया। वो भी बेचारे भारत से ही, इंडिया से ही भूले भटके, जहाज चलाते चलाते रास्ता भूल गए तो वहां किनारे लग गए जाके, और उन्हें वापस आने का रास्ता ही नहीं मालूम, तो वहीं बस गए, बाल बच्चे पैदा करते रहे। दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि अमेरिका नाम का भी कोई महाद्वीप है दुनिया में, जो एक दिन इतना सरसब्ज हो जाएगा कि लोग अपने अपने देशों को छोड़कर के अमेरिका की तरफ भागेंगे। और तो पीयू की वाणी कब से शुरू हुआ? और अभी तो पीयू की वाणी बाबा से रूप में समझा रहा है। सिंधी में कहते हैं पीयू बाप को, उस समय ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिला था, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में वो धोबी घाट वाली बात नहीं बैठी कि भगवान आकर के कैसे संग का रंग लगा करके पतितों को पावन बनाता है। मुरली में तो बोला है ये धोबी घाट आदि से ही चला चला आ रहा है, यज्ञ के आदि से ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी। दुनिया वालों ने विरोध किया तो ब्रह्मा बाबा भी विरोधियों के साथ मिल गए। सारा यज्ञ ब्रह्मा बाबा की तरफ हो गया, वो माता भी दोनों वो भी ब्रह्मा बाबा की तरफ हो गई। को राम वाली आत्मा और उसको फॉलो करने वाले जो मुट्ठी भर थे उन्हें एक तरफ कर दिया गया। पहले तो मिलकर के रहते थे ना, जब मिलकर के रहते थे तब पीयू की वाणी चलती थी, तब बाप मानते भी थे। बाद में उनको निश्चय उखड़ गया तो बाप की बात ही खत्म हो गई, फिर बाप का नाम थोड़ी ऐड किया जाएगा। फिर नाम किसका ऐड किया गया संस्था में? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नाम हो गया, ब्रह्मा का नाम ऐड हो गया, ब्रह्मा कुमारियों का नाम ऐड हो गया, बाप को भूल ही गए। सन 36 से सन 1942 तक हाँ क्योंकि वाणी चला चली होगी। अगर उस वाणी के प्रति विरोधाभास न पैदा हुआ होता तो सिंध हैदराबाद में वो लोहे के बक्से में सारी वाणी को
बंद करके गाढ़ने की क्या जरूरत थी, जो उस वाणी का नाम निशानी गुम हो जाए, फिर तो लेकर के यहाँ चले आते, क्यों नहीं आए? क्योंकि उस पार्ट के ऊपर ही विश्वास खत्म हो गया। वही झगड़ा अभी भी चल रहा है, जो आदि में झगड़ा था वही झगड़ा अभी भी है। लेकिन 42 से 46 तक बाबा माताएं संभाल रही थी, प्यूकी बनी चला ना कि ऐसे माताओं ने जितना समझा ज्ञान को उतना उन्होंने सुनाया। सुप्रीम सोल प्रवेश करके नहीं किया गीता माता में, बोला तो है कि बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा बैठ लिखते थे, तो माताओं के द्वारा ही लिखाते थे ना। तो वो भी तो पीयू की वाणी है, कहो उसे पीयू की वाणी, क्योंकि शिव बाप लिखा रहा है। शिव बाप लिखा रहा है लेकिन साकार में तो पीयू नहीं है, उसको पीयू की वाणी नहीं कहा नहीं, और फिर उसको दबाने की क्या जरूरत, उस वाणी को दबाने की क्या जरूरत, जिसके डायरेक्शन पर ब्रह्मा बाबा भी चलते थे। लेकिन सिंध हैदराबाद से तो 42 में जो भी साकार चले गए उसका बाद तो लोग कराची गया। हाँ हाँ, ब्रह्मा बाबा जब लेके गया था, जब झगड़ा शुरू हुआ तो ब्रह्मा बाबा तो भाग गए ना। हाँ, वो झगड़ा टंटा पसंद नहीं करते थे, वो तो अकेले ही चले गए 42 का पहले। हाँ, जब झगड़ा शुरू हुआ तब अकेले जाकर के समंदर के किनारे किसी बंगले में बैठ गए जाके, झगड़ा चलता रहा बाद में, मम्मा मुकाबला भी करती रही, जिनको बंधन में आना था उनको बंधन में भी डाला गया। बाद में 46-47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, खून खराबा हो गया, लोग अपने घर बार छोड़ करके भाग खड़े हुए, जो 7-7 तालों में बंद की हुई थी माताएं कन्याएं उनको भी छोड़ के भाग गए। तब उन कन्या माताओं को मौका मिल गया कराची में भाग जाने का, धीरे धीरे उनको पता भी लग गया कि बाबा वहां पहुंच गए हैं। और 42 तक जब तक पीयू था, साकार में पीयू था, तब तो पीयू की बारी बोला ठीक है, लेकिन 47-48 में तो डायरेक्ट मुरली चला, डायरेक्ट मुरली 48 में डायरेक्ट मुरली चला। हाँ, 48 में। हाँ, तो 42 टू 48 ये जो पीरियड है लिखते थे। हाँ, लिखते थे इसको, ये जो है इसको क्या बोले, पीयू की बोले ना क्या बोले, पीयू की बारी तो पहले 42 तक चला, लेकिन बीच में ये माने 42 टू 48 हाँ, बाप की वाणी कहेंगे, बाप की वाणी। हाँ, शिव बाप की वाणी है ना, दोनों माताओं के माध्यम से देते थे। क्यों दोनों माताओं को, गीता माता शिव बाप रुद्रमाला में प्रवेश करेंगे, पतितों में प्रवेश करेंगे या पावन में प्रवेश करेंगे? लेकिन वो तो भी शादीशुदा तो थी। कौन? वो भी तो कम, जो आदिराधा। हाँ, आदिराधा शादीशुदा होना पतित होना कहा जाता है कलयुग में, विचारी को पतित कहा जाता है, तो इसीलिए उनमें प्रवेश नहीं करते नहीं। तो जो भी 46 में जो भी जब मरे ये गीता माता जो भी शरीर छोड़ के चला गया। हाँ जी, फिर बीच में आदि राधा कैसे चलाया? आदि राधा नहीं चलाया, वो बड़ी माँ ही चलाती थी। तो बड़ी माँ की बाद डायरेक्ट मुरली शुरू हुआ, उसके बाद डायरेक्ट मुरली शुरू हुआ, आदि राधा चलाया नहीं। वो दोनों माताएं साथ 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 ही साथ तो सही छोड़ा है, एक थोड़ा थोड़ा अंतर रहा होगा 46 में। जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, ऐसे बोला मुरली में, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, वो कौन है, छोटी माँ है ना। 47 में क्यों, 67 में जो मुरली में बोला। हाँ जी, जो पहले पहले थे अभी छोड़ी छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी, अभी जंग में आ गया, 20-25 साल होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो 67 में बोला। हाँ जी, तो दैट मीन्स आदिराधा छोड़ी छोड़ा 47 में छोड़ा। 42 और 5। हाँ, 42, 43, 44, 45, 46, 46.5 47। हाँ, तो उसी सबसे
ठीक हिसाब मिलता है। हाँ जी 67 में जो भी बोला 20-25 है। बाप पुरुषार्थ घर गृहस्थ में रहकर हम बच्चे नंबर वार हो नहीं सकते, अपने मन की बात को कुल माता ले गए कोई भी हो। पूरा क्लियर कहा हुआ है वो लिखिए है, पुरुषार्थ घर गृहस्थ में रहकर हम बच्चे नंबर वार हो नहीं सकते। नंबर वार ही तो होते हैं, बनू की खोज को मान लीजिए। घर गृहस्थ में रहते हुए पुरुषार्थ करने वाले नंबर वार ही तो हैं, एक जैसे कहाँ है। हाँ कहने का मतलब है मोस्ट प्रोबेबली जे घर गृहस्थ में रह के माने अच्छा पुरुषार्थ कर नहीं सकते हैं, जो लोग सरेंडर करते हैं कुंडल लोग। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बाबा ने कहा गीता पाठशाला को भी मिनी वधवन का नक्शा बनाओ। जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो गीता पाठशाला को मिनी वधवन नहीं बना सकते। अगर वो मिनी वधवन बनाएंगे तो फिर फुल सरेंडर होकर के चल जाएंगे ना। जब फुल सरेंडर होकर के वो चलेंगे तो वो भी फुल सरेंडर, और जो सरेंडर हुए वो भी फुल सरेंडर। बल्कि जो कागज पे सरेंडर हुए हैं वो हो सकता है कि अंदर से सरेंडर ना हो। खून से लिख करके देने वाले सरेंडर नहीं हुए, सब सरेंडर नहीं हो सकते छोड़ के। तो ये तो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल धारणा की बात है। इसमें ये थोड़े कि घर गृहस्थ में रहने वाले नहीं कर सकते, घर गृहस्थ में रहने की बात नहीं है, बात है सच्चाई से चलने की। सरेंडर कितने हैं, बाबा की श्रीमत पर कितने चलते हैं। गीता पाठशाला चलाते चलाने वाले जो हैं वो बाप की श्रीमत पर नहीं चल सकते, बंधन है क्या। ढेर के ढेर बंधन होते हैं तुम्हें, ज्यादा ढेर के ढेर बंधन है कि बाबा घर गृहस्थ में है कि नहीं बताओ। सबसे बड़ी गृहस्थी बाबा, ज्यादा बड़ी गृहस्थी किसकी, तुम्हारी है कि बाबा की है। बाबा की जब इतनी बड़ी गृहस्थी है तो तुम ऐसे कैसे कह सकते कि हम ज्यादा बंधन में। समस्याएं भी उतनी ज्यादा होती है।